हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन क्वीन। तो आज हम आपको फटाफट और इंस्टेंट बनने वाली चटनी बताएंगे जो टेस्टी होती है, जो दाल चावल के साथ भी और पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो देखिए, मेरे पास ये कुछ सामान है जिसे चटनी बनाने के लिए, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, आंवला और हरा धनिया। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये सारा कट करके मिक्सी में डालने के लिए सारा छोटा छोटा कट करके रख लिया है। आप लोग लहसुन नहीं चाहते हो तो लहसुन को स्किप भी कर सकते हो। तो चलिए इसे हम मिक्सी के बॉल में डाल लेते हैं, और जिसके पास सिलबट्टा हो तो उस पर अगर पीसे तो वो और भी अच्छी चटनी पीस के रेडी होगी और ये भी बहुत टेस्टी बनेगी। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो मैंने ये इसमें ऐड कर दिया है और पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, अगर क्योंकि खुरदुरा जितना रहेगा वो आंवले का स्वाद उतना ही अच्छा आएगा। तो इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और अब इसे बंद करके अच्छे से पीस लेंगे। तो बस अभी से मैंने पीस लिया, देखिए कितना अच्छा टेक्सचर बन के तैयार हुआ है, एकदम खुरदुरा और आंवले का स्वाद इसमें एकदम से उभर के ही आएगा, पता चलेगा कि हमारी ये आंवले की चटनी है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। अब मैं इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी और ये खाने के लिए बस रेडी है। थैंक यू सो मच, बाय। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा।